రాజ్యసభలో రాజనాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बहाल रखी जाए, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास भी हुआ है। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है। यह हम दोनों काम कर सकते हैं, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लेरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हुए थे, पूरी तरह से कमिटेड थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप बराबर बना रहता है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आदि की स्थिति का बराबर समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम रहे। सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेज और तीनों आर्म फोर्सेज की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए शेयर भी किया जाता है। सभापति महोदय, मैं अब सदन को इस साल उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रुप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी बीच मई महीने के मध्य में
सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर यलेशी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की, सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में, सभापति महोदय, मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। यलेशी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमत के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेसआउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है, सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक ओर किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए, वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। क्योंकि इस मौजूदा स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को, सभापति महोदय, तय करते हैं। पहला, दोनों पक्ष को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है, सैनिक कार्रवाई की गई तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा, सभापति महोदय, टाइमली व फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। सभापति महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। यलेशी का सम्मान करना
और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का यह आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। सभापति महोदय, चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ और फ्रिक्शंस पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए